अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल जिसका नाम है सीजनल मीट। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो फ्रेंड्स, मैं आज आपके लिए बहुत ही सिंपल सी रेसिपी लेके हाज़िर हुई हूँ, तो जुड़े रहिए मेरे साथ इस वीडियो में। मेरी वीडियो को स्टार्ट से एंड तक मुकम्मल देखिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी इस रेसिपी को। सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, यहाँ पर मैं लूँगी कढ़ाई और उसमें मैं ऐड करूँगी बीफ। 1 kg बीफ मैंने अच्छे से वॉश करके इसमें ऐड कर लिया है। साथ ही इसमें मैं शामिल करूंगी 2 अदद बड़े साइज़ के प्याज, साथ ही 1 गट्ठी हम इसमें लहसुन की शामिल करेंगे, 2 अदद इसमें हम टमाटर शामिल करेंगे, साथ ही इसमें मैं अदरक का पेस्ट शामिल करूंगी 1 टेबल स्पून, साथ ही इसमें मैं 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर शामिल करूँगी, साथ ही इसमें मैं हल्दी का पाउडर शामिल करूँगी 1/2 टीस्पून और धनिया पाउडर इसमें शामिल करेंगे 1 टेबल स्पून। 1 किलो पानी शामिल करके गोश्त को मीडियम फ्लेम पे गलने के लिए रख देंगे। और यहाँ पे मैं शामिल कर रही हूँ नमक 1 टीस्पून और इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। अच्छे से मिक्स करने के बाद इसमें मैं शामिल करूँगी ऑयल 1/2 कप, इसमें मैं ऑयल के शामिल करूँगी। यहाँ पे गोश्त जो है वो 80% तकरीबन कुक हो चुका है। अब इसको हम ढक के रख देंगे जब तक ऑयल जो है वो सरफेस पे नहीं आ जाता। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पानी जो है वो ऑलमोस्ट खुश्क हो चुका है और इसमें हम अब शामिल करेंगे गरम मसाला 1 टीस्पून। इसमें हम गरम मसाला शामिल करेंगे, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा मसाला जात कर सकते हैं। 5 मिनट के लिए इसको हम लगाएंगे दम पे। ऑयल जो है वो ऊपर आ चुका है सरफेस पे। अब इसमें हम शामिल करेंगे अनियन और साथ ही इसमें ग्रीन चिली हम शामिल करेंगे, साथ ही इसमें हम शामिल करेंगे टमाटर और इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे और इसको हम 2 मिनट के लिए दम पे रखेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपने मेरे इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज को फॉलो नहीं किया तो काइंडली उसे फॉलो कर लीजिए। तो यहाँ पे मैं इसे करती हूँ डिश आउट। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये झटपट सी रेसिपी पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं आने वाली नई वीडियो के साथ, तब तक अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल रखिए और मुझे दुआओं में याद रखिए। अल्लाह पाक आप सबका हामी नासर हो। अल्लाह हाफिज़।